कोरोना वायरस के फैलने के कारण पूरी दुनिया दहशत में है और लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। कारण है इस वायरस का और बढ़ने का डर। लोग महीनों का राशन स्टोर करके रखने लगे हैं और मार्केट से सैनिटाइजर और साबुन गायब हो रहे हैं। इसी कारण से कई कंपनियां साबुन और सैनिटाइजर के दाम बढ़ाने में लगी हैं। जी बिजनेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें सबसे आगे है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। कल जैसे ही इस कंपनी द्वारा सामानों के दाम बढ़ाए जाने की रिपोर्ट सामने आई, वैसे ही जी बिजनेस के पत्रकार अनिल सिंघवी ने अपने शो पर इस बात की जानकारी दी और HUL को उसके मौके परस्ती के लिए खूब लताड़ लगाई। HUL द्वारा साबुन और सैनिटाइजर के दाम बढ़ाए जाने पर अपने शो में सिंघवी ने कहा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर इस बात का फायदा उठाना चाहती है कि साबुन की ज़्यादा ज़रूरत है। जब यह निर्देश मिले हुए हैं कि सभी को साबुन का प्रयोग करना है, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, ऐसे समय में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने दाम बढ़ाकर बहुत गलत किया है। सिंघवी ने सीधे हमला करते हुए बोला कि हिंदुस्तान यूनिलीवर से हिंदुस्तान तो गायब ही है, आप में हिंदुस्तान वाली फीलिंग नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कमाने के लिए HUL के पास पूरा जीवन पड़ा है और वैसे भी आपका स्टॉक अभी गिरा नहीं है और यह लगभग 2000 रुपये पर अभी भी ट्रेड कर रहा है। ये क्या बात हुई कि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप दाम बढ़ा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए अगर लोग 30-45 दिनों के लिए सामान खरीद रहे हैं तो क्या आप दाम बढ़ाएंगे? उन्होंने आगे इस महामारी के बड़े पैमाने का उल्लेख करते हुए कहा कि अभी इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय विपदा है तो आप इसका फ़ायदा उठाकर दाम बढ़ाएंगे। मार्केट की प्रतिस्पर्धात्मक वास्तविकता को बताते हुए उन्होंने कहा कि HUL ने दाम बढ़ाए, अब पूरी दुनिया दाम बढ़ाएगी, बाकी FMCG वाली कंपनियां भी दाम बढ़ाने लगेंगी। उन्होंने कहा कि यह ठीक है कि हमारे जैसे कैपिटलिस्ट देश में चीज़ों के दाम ज़रूरत के मुताबिक होते हैं, लेकिन यह राष्ट्रीय विपदा है और यह सिचुएशन वंस इन लाइफ टाइम वाली है, इसलिए HUL ने जो दाम बढ़ाने की घोषणा की है उसे वापस लेना चाहिए। बता दें कि HUL देश में विज्ञापनों पर खर्च करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी के कुल बजट का 10% हिस्सा तो केवल विज्ञापनों पर खर्च किया जाता है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी Amazon भी भारत में विज्ञापन पर केवल 900 करोड़ रुपए ही खर्च करती है और एडवर्टीजमेंट पर खर्च करने के मामले में वह HUL के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। HUL भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनियों में से एक है, जिसका एनुअल रेवेन्यू 34,000 करोड़ रुपये है। ऐसे में HUL ने अगर वास्तव में इन सामानों के दाम बढ़ाए हैं तो यह पूरी तरह ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी है, जिस पर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।